सीआईडी विवाद के बाद विभागों में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। हरियाणा में विभागों में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दरअसल सीआईडी विवाद लगातार गर्माता जा रहा था और इसके बाद ये खबर आई है कि गृह मंत्री अनिल विज से वापस लिया गया सीआईडी विभाग। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल को फिलहाल सीआईडी विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सीएम मनोहर लाल के पास ही सीआईडी विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। राजभवन मामले और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग भी सीएम के पास ही रहेंगे। तो ये इस वक्त की जानकारी हम आपको दे दें, मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राज्यपाल ने इस तरह से ये फेरबदल किया है। विभागों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पहले परिवहन मंत्री के पास कला संस्कृति विभाग था और अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अनिल विज के पास से सीआईडी विभाग ले लिया गया है इस वक्त। और इसी के साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, सीआईडी विभाग के बाद ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है विभागों में। जी बिल्कुल, देखिए जो पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच तनातनी चल रही थी, कई दिनों से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच की आगे फंसी हुई थी, अब इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रियों के विभागों में तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा कदम उठाते हुए सीआईडी डिपार्टमेंट को खुद अपने पास रखा है। बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर है मुख्यमंत्री की तरफ से, जो सीआईडी डिपार्टमेंट अनिल विज के पास था, गृह मंत्री के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता था, वो डिपार्टमेंट अब अनिल विज से ले लिया है। अब सीआईडी मुख्यमंत्री के पास रहेगी। जो नोटिफिकेशन था देर रात राजभवन की तरफ से, वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा भी अगर जो दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, क्रामिक और प्रशिक्षण विभाग, वो भी अब मुख्यमंत्री के पास रहेगा। वहीं जो मूलचंद शर्मा है, मूलचंद शर्मा के डिपार्टमेंट में भी कटौती की गई है। मूलचंद शर्मा से के पास अगर देख, कला और सांस्कृतिक मामलों का विभाग मूलचंद शर्मा के पास था, लेकिन कला और सांस्कृतिक डिपार्टमेंट मूलचंद शर्मा से लेके ये डिपार्टमेंट कंवरपाल गुर्जर को दे दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर ये की है कि जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच तनातनी चल रही थी सीआईडी डिपार्टमेंट को लेकर, लगातार हरियाणा सरकार की स्थिति हो रही थी, अब मुख्यमंत्री की सबसे बड़ा कदम उठाते हुए गृह मंत्री से सीआईडी डिपार्टमेंट ले लिया। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री की तरफ से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। जी तो अनिल, देखा जाए तो सिर्फ सीआईडी विभाग ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों के पोर्टफोलियो भी बांट दिए गए हैं। बात की जाए तो परिवहन विभाग, संस्कृति विभाग, इसमें भी काफी फेरबदल देखने को मिल रहा है। अनिल देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण तो सीआईडी डिपार्टमेंट ही था, क्योंकि सीआईडी को लेकर ही तनातनी देखने को मिल रही थी, प्रदेश सरकार की किरकिरी यहाँ पर हो रही थी। इसके अलावा जो मुख्य शर्मा परिवहन मंत्री है, उनके पास कला और सांस्कृतिक विभाग भी था, कला और सांस्कृतिक मंत्रालय मूलचंद शर्मा के पास था, लेकिन अब ये मंत्रालय मूलचंद शर्मा को लेकर कंवरपाल गुर्जर को दे दिया गया है। ये समाज रहा है, ये बदलाव यहाँ पर किया गया। इसके अलावा क्रामिक और प्रशिक्षण विभाग भी विभाग अब मुख्यमंत्री के पास रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, इस तरह सीआईडी विवाद के बाद विभागों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा सीआईडी विभाग। इसके अलावा दूसरे और डिपार्टमेंट हैं जिसमें भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। कला एवं सांस्कृतिक मामले की बात की जाए तो वो अब शिक्षा मंत्री के पास रहेगा। राजभवन मामले और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग की फिलहाल सीएम के पास ही रहेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राज्यपाल ने इस तरह से ये फेरबदल किया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के पास भी जो विभाग था, उसमें भी काफी कुछ फेरबदल देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि लगातार सीआईडी विवाद को लेकर राजनीतिक जो मामले थे गर्माते जा रहे थे। गृह मंत्री और सीएम के बीच ये विवाद बढ़ता ही जा रहा था और फिलहाल इस पर विराम लग चुका है। आपको बता दें, सीआईडी विभाग फिलहाल सीएम के पास ही रहेगा, जबकि मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राज्यपाल ने इन विभागों में फेरबदल किया है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हम आपको ये जानकारी दे दें, परिवहन मंत्री को भी उनका जो विभाग है उसको भी बदल दिया गया है। कला सांस्कृतिक मामलों का पोर्टफोलियो फिलहाल शिक्षा मंत्री के पास ही रहेगा। पहले परिवहन मंत्री के पास ये विभाग था और गृह मंत्री अनिल विज से फिलहाल सीआईडी विभाग को वापस ले लिया गया है और सीएम मनोहर लाल को सीआईडी विभाग की ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राज्यपाल ने ये तमाम फेरबदल किए हैं। सिर्फ सीआईडी डिपार्टमेंट में ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है।